दिल्ली को जल्द से जल्द लोकपाल बिल देने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री केजरीवाल, आज दिल्ली कैबिनेट से लोकपाल बिल ड्राफ्ट को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली लोकपाल बिल 2014 पर केजरीवाल के कैबिनेट की बैठक शुरू, फरवरी में लोकपाल पास करने का है केजरीवाल का ऐलान। कई मायनों में खास है केजरीवाल का लोकपाल बिल, आरोप साबित होने पर भ्रष्ट अधिकारियों को उम्र कैद तक की होगी सजा, कम से कम 6 महीने जेल का प्रावधान। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के साथ ही अफसर को निलंबित करने का लोकपाल को अधिकार, केजरीवाल के लोकपाल में भ्रष्टाचारियों से 5 गुना ज्यादा वसूली का भी इंतजाम। शिकायत मिलने पर कार्रवाई में देरी हुई तो अधिकारी को अपनी तनख्वाह से भरना होगा जुर्माना, हर रोज देरी पर 500 रुपए कटेंगे, अधिकतम 50,000 तक का जुर्माना संभव। केजरीवाल के लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में है कुल 16 अध्याय, एक चेयरमैन और 6 से 10 सदस्यों के साथ होगा दिल्ली में लोकपाल का गठन। मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष, 2 जज के अलावा कुल 7 सदस्यों की कमेटी चुनेगी दिल्ली का लोकपाल, 5 साल तक होगा चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल। पद से हटने के बाद लोकपाल के चेयरमैन और सदस्य 5 साल तक नहीं लेंगे कोई लाभ का पद, संसद, विधानसभा और अन्य चुनाव लड़ने पर भी 5 साल तक पाबंदी। साजिश के तहत लोकपाल से शिकायत की तो मिलेगी कड़ी सजा, 5 लाख का जुर्माना या 1 साल की हो सकती है जेल। किसी भी शिकायत की जांच होगी 6 महीने में पूरी, विसल ब्लोअर को खतरा हुआ तो फास्ट ट्रैक होगी कार्रवाई, यानी 3 महीने में जांच। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का आज 1 महीना पूरा, आज जनता के सामने काम का रखा जाएगा लेखा जोखा। आम आदमी पार्टी की सरकार के 30 दिन पूरे होने पर आज तक से केजरीवाल ने की बातचीत, कहा जन लोकपाल कानून बनाने में अभी 15 दिनों का और लगेगा वक्त। और टाइम लग रहा है, मैं मानता हूं हमने 15 दिन कहा था, 1 महीना हो गया, अभी 10-15 दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं, जल्दी मिलेगा, स्वराज का कानून भी मिलेगा और लोकपाल बिल भी मिलेगा, कमिटमेंट है। आज तक से बातचीत में केजरीवाल ने सोमनाथ भारती का किया बचाव, कहा ऐसे सबूत नहीं कि मंत्री पद से हटाने की जरूरत पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस, अर्जी में दोनों का चुनाव रद्द करने की मांग, बीजेपी नेताओं ने दायर की है याचिका। राहुल गांधी ने गुजरात दंगों के लिए मोदी को ठहराया जिम्मेदार, कहा दंगे में शामिल थी उस समय की सरकार। 1984 दंगों पर राहुल ने कांग्रेस सरकार का किया बचाव, कहा कांग्रेस सरकार ने दंगे रोकने की कोशिश की थी। राहुल ने एक टीवी इंटरव्यू में सिस्टम बदलने पर दिया जोर, कहा चुनाव हारा तो लूंगा जिम्मेदारी। मोदी पर राहुल के हमले के बाद बीजेपी आग बबूला, रविशंकर प्रसाद ने कहा इससे साफ होता है कि राहुल के पास भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार की नाकामी का नहीं है कोई जवाब। सिख दंगे में कांग्रेस सरकार को पाक साफ बताने पर राहुल को अकाली दल ने लिया निशाने पर, प्रवक्ता डीएस चीमा ने पूछा 30 साल बाद भी गुनहगारों को क्यों बचा रहे हैं राहुल। दस साल बाद खत्म हुआ दिग्विजय सिंह का सियासी वनवास, मध्य प्रदेश से बने राज्यसभा उम्मीदवार। जेडीयू प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर ने नीतीश के कामकाज पर उठाया सवाल, टिकट नहीं मिलने पर खुलकर जताई नाराजगी। बीजेपी नेता सीएम सीपी ठाकुर और आर के सिन्हा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, मोदी की पीएम बनाना उनकी प्राथमिकता। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा मोदी कर रहे हैं निगेटिव राजनीति, कांग्रेस रहित भारत दे रहे हैं नारा। 2014 चुनाव को लेकर बीजेपी का नया कैंपेन शुरू, मेरे सपनों का भारत मुहिम के जरिए लोगों से बीजेपी मांग रही है लोगों की राय।
नरेंद्र मोदी के बचपन में चाय बेचने वाली बात पर गुजरात कांग्रेस ने उठाए सवाल। अर्जुन मोडियावाड़िया ने कहा, मोदी एक बड़े स्टेट ट्रांसपोर्ट बस डिपो में कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर थे। 51 साल बाद मुंबई में लता मंगेशकर ने फिर गाया ए मेरे वतन के लोगों। मंच पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी थे मौजूद। वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। दिल्ली के अमर कॉलोनी में झुग्गियों में रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। पड़ोस में रहने वाले 17 साल के लड़के पर लगे आरोप, पुलिस तलाश में जुटी। सोमवार दोपहर अमर कॉलोनी में एक मंदिर के पास बदहवास हालत में मिली बच्ची, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती, रेप की हुई पुष्टि। जयपुर में एक बीटेक की छात्रा ने लगाया आईएएस अधिकारी पर रेप का आरोप, महेश नगर थाने में एफआईआर दर्ज। पीड़ित छात्रा के मुताबिक आईएएस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर आईएएस अधिकारी ने किया रेप। इसी युवती ने पिछले साल एक पेइंग गेस्ट के मालिक पर भी लगाया था बलात्कार का आरोप। देहरादून में 60 साल की महिला के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में 2 लोगों को फांसी, पीड़ित के परिवार वालों ने जताया संतोष। बेंगलुरु में यौन उत्पीड़न के आरोप में सेना के जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 साल की बच्ची के साथ वारदात को दिया था अंजाम। अभिनेत्री जिया खान की मौत को लेकर अब अमेरिका भी गंभीर, एफबीआई ने इस मामले में सीबीआई को लिखा पत्र। पुरुलिया में एक बार फिर नवजात की मौत का मामला आया सामने, 24 घंटे के भीतर 7 नवजात की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, NH-24 से डॉक्टर और ड्राइवर को किया अगवा। गाजियाबाद के लोनी में 12 घंटे के अंदर 2 हत्याएं, दोनों ही पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। ब्राजील में 1 साल पहले नाइट क्लब हादसे में मारे गए लोगों को किया गया याद, सांता मारिया में 242 लोगों की हो गई थी मौत। यूक्रेन में गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप छुपाकर इलाज करवा रहे हैं प्रदर्शनकारी, पिछले हफ्ते सरकार विरोधी प्रदर्शन में हो गए थे घायल। ट्यूनीशिया को मिला नया संविधान, 3 साल पहले राष्ट्रपति बेन अली को बेदखल करने के बाद वहां की संसद ने नए संविधान पर लगाई मुहर। चीन के ऐतिहासिक बाओजिंगडोंग गांव में 1 महीने के अंदर दूसरी बार लगी आग, 100 से भी ज्यादा घर तबाह। रूस की राजधानी मॉस्को में -15 डिग्री तापमान में बर्फ का अनोखा खेल, लोगों ने बर्फ से बनाई स्नोमैन की तरह तरह की आकृति।